हेलो मित्रों, मैं मिस्टर बाबू आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ मिस्टर बाबू मोटिवेशन में। दोस्तों, आज जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। बागेश्वर धाम है, उस धाम पर दोस्तों देश की हर मीडिया यानी हर न्यूज़ वाले पहुँच चुके हैं। लाइव भी चल रहा है, अभी भी फिलहाल में चल रहा होगा लाइव। कि आप इंसान को बिना देखे आप पर्चे पर लिख देते हो, इंसान को बिना किसी कहे आप उसकी पीड़ा बता देते हो, आप उसके हर काम बता देते हो बिना किसी कहे। और ये भी मानना पड़ेगा, आप इसे माइंड कहोगे या फिर इसे शक्ति कहोगे। बागेश्वर धाम वाले बाबा के आगे सुहानी शाह के घुटने टिक गए। बाबा के फर्चों के आगे सुहानी शाह कमजोर पड़ गई, माफी मांगने लग गई कि मुझे माफ कर दो। अपने पर्चे कितने बनाए, कितने हैं? तुम बैठ जाओ वहां। अब आप चार लोग, महिलाओं में, पुरुषों में, बाहर से, पीछे से, आगे से, कहीं से भी उठाकर लाएंगे। आप ही अपने व्यक्ति ना हो, बाकी किसी को भी उठा लाना। आप ही व्यक्ति चार लोगों में से जिसको भेजेंगे और आप ही बताएंगे कि उस व्यक्ति के लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें, और वो जो भी प्रश्न पूछेगा वही पर्चे पर लिखा मिलेगा। चार पर्चे या फिर पांच पर्चे, जितने भी पर्चे बनाते हैं वो उनकी इच्छा के अनुसार बनाते हैं। पहले पर्चा बना देंगे, फिर उसके बाद लोग यानी व्यक्तियों को बुलाएंगे कि ये जो चार पर्चे बन गए हैं, अब इन चार पर्चियों को जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप उठाकर ले आइए, उनका ही ये पर्चा बन जाएगा। अब बोलो, इसको माइंड कहोगे या फिर शक्ति कहोगे? कुछ ना कुछ तो है ही, जो कि बिना किसी कहे देखे पर्चा बना दे सामने वाले इंसान का, उसे आप माइंड कहोगे या फिर शक्ति? तो कुछ शक्ति का प्रभाव है, इसीलिए जो बिना कहे किसी को सोच भी लेता है, नाम भी बता देता है कि आपका ये नाम है। बताइए आप, आपका ये नाम है और ये काम मुझसे पूछने के लिए आए हो, बोलिए। और ये भी बता देता है, अगर आप पर्ची पर लिख कर ले जाओगे, छुपा कर ले जाओगे, तो भी आपको बता देंगे कि आपके पास एक पर्ची है जिसमें इतने क्वेश्चन आपने लिख रखे हैं और वो क्वेश्चन ये है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मैं आपके सामने जो भी ट्रेंडिंग आएगी वो मैं आपको लेकर आऊँगा, ठीक है? आप तो मुझे बस ट्रेंडिंग के लिए फॉलो करो, ट्रेंडिंग लेकर आऊँगा मैं आपके सामने।